आपने भी कोटक 811 यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया था, अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया था और आपका अकाउंट भी ओपन हो गया और आपका डेबिट कार्ड भी आ गया, आपका फिजिकल डेबिट कार्ड आ गया एटीएम कार्ड यानी कि ओके, तो आप उसका पिन जनरेट करना चाहते हैं यानी कि अपना एटीएम कार्ड पिन बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप बिना कहीं गए काफ़ी आसानी से घर बैठे ही अपने फ़ोन से ही अपने एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं, अपना मनचाहा पिन बना सकते हो। आपको ना ही कोटक 811 ब्रांच पे जाना है ना ही उसके एटीएम पर जाना है, आप अपना पिन अपने फ़ोन से ही जनरेट कर सकते हो, मनचाहा पिन आप अपना एटीएम कार्ड का बना सकते हो। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप काफ़ी आसानी से अपना पिन जनरेट कर पाओगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब आपको कोटक 811 एप्लीकेशन में आ जाना है। अगर आप एप्लीकेशन में आना चाहते हैं तो इसमें आ सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ही कोटक 811 सर्च कर सकते हो। ओके, एप्लीकेशन में आने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको उस पर क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको ऊपर डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। ओके, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप देख पा रहे हैं अप्लाई अपग्रेड डेबिट कार्ड एंड इमेज डेबिट कार्ड और यहाँ पे रीजनरेट पिन। ओके, आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने वहाँ पे जो पिन अपना 6 डिजिट का एमपिन बनाया था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। ओके, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट, आपको यहाँ पर न्यू पिन और नीचे कंफर्म न्यू पिन का ऑप्शन मिल रहा है आपको। ओके, तो आप अपने हिसाब से अपना कोई पर्सनल एटीएम पिन बना सकते हो। ओके, जैसा हम कोई और अदर कार्ड में बनाते हैं, जैसे मान लीजिए SBI का कार्ड हुआ, उसमें हम अपना पिन अपने हिसाब से अपना वहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, सेम इसी तरह से आपको कोटक में भी कर लेना, आप अपने हिसाब से अपना एटीएम पिन बना सकते हो। ओके, लेकिन आपको इसमें 6 डिजिट का अपना एटीएम पिन बनाना होगा, और कोई भी आप एटीएम यूज़ करते होंगे तो उसमें 4 डिजिट का होता है, लेकिन इसमें आपको 6 डिजिट का जो है अपना एटीएम पिन बनाना होता है। ओके, पिन क्रिएट करने के बाद आपको नीचे मिलेगा सबमिट का ऑप्शन, सो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप देख पा रहे हैं ऊपर डेबिट कार्ड नंबर, कस्टमर नेम और वहाँ पर टाइप रिजनरेट पिन। ओके, तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पर आपको नीचे फिर से कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, और यहाँ पे डेट हमने कब वहाँ पे रिक्वेस्ट किया था डेबिट कार्ड पिन बनाने के लिए, और रेफरेंस नंबर हमको नीचे मिलेगा और यहाँ पे मैसेज भी आ गया। ओके, इस तरह से कुछ ही स्टेप में आप काफ़ी आसानी से बिना ATM गए और बिना ब्रांच गए आप आसानी से अपने फ़ोन से ही अपना ATM पिन बना सकते हो। ओके, इस तरह से आप काफ़ी आसानी से अपने ATM कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हो, अपना पिन बना सकते हो। ओके, आई होप कि आप लोग को ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को।